मुंबई की राह पर थे लेकिन अब आप दिल्ली की राह पर चले गए, क्या कुछ आपको आइडिया आया कैसे आप दिल्ली ऑफ सुल्तान बनाने की, सुल्तान ऑफ दिल्ली बनाने का सोचे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम कहानी नहीं ढूंढते हैं, कहानी हमको ढूंढ लेती है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी तो मुझे बिल्कुल एक मेरे थॉट में था नहीं कि मैं मुंबई अंडरवर्ल्ड से कुछ बनाऊंगा, लेकिन एकता ने एक आइडिया मेरे सामने रखी और फिल्म बन गई। उसी तरह इस जर्नी की भी जो शुरुआत थी वो एक नावल से हुई जिसका नाम है सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। वो नमित शर्मा मेरे प्रोड्यूसर मेरे सामने, उन्होंने मुझे किताब दी और मुझे किताब बहुत पसंद आई और वहाँ से बस सफ़र शुरू हो गया। आप अगली बार कहेंगे तो हम हैदराबाद चले जाएंगे। जैसे कि इस वेब सीरीज को बनाने में 3 साल लगे। हाँ जी। और एक आप एक नॉवेल से एक स्टोरी बना रहे तो ये कितना डिफिकल्ट होता है कि नॉवेल में बहुत चीज़ें लिखी होती है लेकिन उसको एक स्टोरी में बताना, एक वेब सीरीज में बताना? हमने नॉवेल को एक्चुअली ब्रेकअप किया है 3 हिस्सों में, जो हम 3 सीजन बनाएंगे इस शो के। और मुश्किल तो नहीं, मैं कहूँगा आसान हो जाता है, क्योंकि आपसे पहले किसी ने 2-3 साल सोच अपनी लगाई है, मेहनत की है, और जो कहानी के जो फाउंडेशंस होते हैं, जो पिलर्स होते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, बिगनिंग मिडिल एंड जो सब होते हैं, वो किसी ने सोच समझ के रखे हैं, तो उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए जब, क्योंकि आपके पास उस चीज़ के राइट्स हैं। और क्योंकि बहुत ही अच्छी नॉवल है तो मज़ा आया उसे अडाप्ट करने। ताहिर सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने काफ़ी हिट मूवीज दी है लेकिन अब आप सुल्तान बनने की चाह में लगे हुए हैं, तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? अभी वो तो हमें बाद में पता चलेगा आप सुल्तान बन रहे हो या नहीं, लेकिन अभी आपकी चाह तो वही है कि मुझे सुल्तान बनना है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी, बहुत ही खास। मैं ओरिजिनली दिल्ली का हूँ और एक शहर छोड़ना और बम्बई आना सुल्तान बनने की राह में, और आपको इवेंचुअली 10 साल बाद एक ऐसा शो मिले एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जिनका काम देखकर आप बड़े हुए हैं, ये बहुत ही खास है। और एक ऐसा किरदार मिले जिसमें इतने सारे शेड्स हों, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, दोस्ती हो, प्यार हो, साथ साथ में विंटेज गाड़ियाँ, एक 60s का लुक, एक्शन, बंदूकें, तो ये ऑलमोस्ट एक बचपन का सपना है जो 13 अक्टूबर को पूरा होगा। जैसे आप बोला आप बेसिकली दिल्ली से ही हो, तो जब आप ये मूवी सॉरी वेब सीरीज बना रहे थे तो आपको क्या क्या यादें ऐसे ताज़ा हुई है दिल्ली, सुल्तान ऑफ दिल्ली बनाते हुए? दिल्ली मतलब एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में एक किरदार है इस कहानी में, सुल्तान ऑफ दिल्ली में। ये हम जो सीरीज़ है ये ऐसे लोगों के बारे में है जो सपने देखते हैं और एक इंडस्ट्री में आए हैं बाहर से और कुछ अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पर्सनल लेवल पर मैंने बहुत रिलेट किया, बिकॉज आई केम टू बॉम्बे विद ड्रीम्स टू बिकम समवन एंड सो सिमिलर टू व्हाट अर्जुन इज इन सुल्तान ऑफ दिल्ली एज़ वेल। अंजुम सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपके करियर की शुरुआत टेलीविजन से हुई थी लेकिन अब आप ऐसे वेब सीरीज दे दिए हो, इतने हिट हिट वेब सीरीज दे दिए हो और अब मिलन सर के वेब सीरीज में काम करने कर रहे हो, तो आप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? टेलीविजन से टेलीविजन से सुन मिर्ज़ापुर मैंने इससे पहले किया yes, था तो मेरी मतलब मुलाकात हुई मिलन सर से, मिलन सर ने मुझे बुलाया काम के लिए, मतलब इस शो के लिए उन्होंने मुझे इसकी कहानी सुनाई। और मेरे लिए, जैसा कि मैं मानता हूँ हर एक्टर के लिए, जो भी वो अपना काम करता है वो अपने अपने अपनी दिशा में अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है और उसके सामने एक ऐसा एक करियर डिफाइनिंग मोमेंट आता है जहाँ पे उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, वो स्पेस क्रिएट की जाती है जहाँ पे आपके पास एक स्केल, एक पैलेट, एक कैरेक्टर, एक इमेज खड़ी होती है। और सिनेमा में इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम कोई भी कहानी देखते हैं उसको इमेज के फॉर्म में देखते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर काफ़ी अरसे तक रहता है। जैसे मुझे बचपन से मुझे याद है मैंने कच्चे धागे देखी थी, तो उसकी इमेज मेरे साथ आज तक है। तो वो समय जब मैं ऐसे इंसान से